बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपके खिदमत में पाकिस्तान वेदर अपडेट के साथ। अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मौसम की वीडियो की नोटिफिकेशन से दोस्तों आप रोज़ाना बाखबर रह सके। ब्रेकिंग न्यूज़, कराची सिंध में बारिशों की इंतहाई बड़ी बड़ी खुशखबरी, लेकिन कब से बारिशें होने वाली हैं आज की वीडियो में इसके बारे में आपके साथ रिपोर्ट शेयर करूंगा। सबसे पहले शेर एकायद की मौसम के हवाले से बात करते हैं तो आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम साफ खुश्क और शदीद गर्म रहा। आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम कुछ गर्म रहा, दर्जे हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 36 सेंटीग्रेड से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। वजह यह है कि शहर में बलूचिस्तान से इंतहाई गर्म हवाएं मुतासर कर रही हैं जिसकी वजह से गर्मी हो रही है। सिंध के दीगर बड़े शहरों में भी आज मौसम इंतहाई गर्म रहा, बहुत गर्म हवाएं भी चलीं जबकि दर्जे हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 42 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। अब बात करते हैं तो बारिशों के हवाले से, तो मगरबी हवाओं का इस साल का ताकतवर नया सिलसिला मुल्क को 28 और 29 अप्रैल के दौरान दाखिल होगा, जो कि ये सिलसिला बेहतर और अच्छा है, यानी कराची तक कश्मीर बारिशों का सबब बनेगा। इस सिलसिले से इंशाल्लाह सिंध के भी मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं, आंधी, शदीद गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी के इम्कान मौजूद हैं। ज़्यादा सिस्टम की शिद्दत सुबह के मगरबी हिस्सों में होगी जहाँ पर अच्छी बारिशें मुतवक्को हैं। बात करते हैं तो कराची के हवाले से, तो फ़िलहाल सिस्टम से शहर कायद में बारिश के इम्कान कम है। शुमाल मगरब के इलाकों में अच्छी बारिश की उम्मीद है लेकिन शहर में कम है। तमाम सिस्टम में भी बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं, अगर मज़ीद इजाफा देखने को मिली तो फिर कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। बस मज़ीद दुआएं करो कि बारिश में इजाफा हो देखने को मिले ताकि सुबह में अच्छी बारिशें हो जाएं, आमीन। मज़ीद वही होगा जो अल्लाह ताला चाहेगा। मज़ीद दुआ करते रहो कि पाकिस्तान में रहमत की और अच्छी बारिशें होती रहें। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइट मीन थंडरस्टॉर्म, बारिशों में मुतल्लिक रोज़ाना मौसम की अपडेट जाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पाक वेदर मीट को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।